आज इस अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि हमारा जो लक्ष्य है प्रदेश का, आपने सुना होगा कि मैंने पिछले वर्ष भर में जो बातें कही हैं, हमारा उसमें फोकस, वो 4S पर फोकस हमेशा मैंने बताया, और 4S में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन, अभी 4S थे जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं लगातार। शिक्षा पर बराबर काम हो रहा है, स्वास्थ्य पर बराबर काम हो रहा है, स्वावलंबन, लोगों को अपने रोजगार मिले, अपने पैरों पर खड़े हों, और सुरक्षा के नाते भी सब चीज़ें ठीक की जा रही हैं। उसी की एक कड़ी में आखिर स्वास्थ्य के नाते से महिलाओं का स्वास्थ्य और बालकों का स्वास्थ्य, छोटे बच्चों का स्वास्थ्य, इसकी चिंता विशेष इसलिए भी बनती है कि अगर महिला का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आने वाली भविष्य की पीढ़ी, उसका भी स्वास्थ्य तो आखिर कैसे ठीक होगा। एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। तो इसलिए जो भी ये समस्याएं हैं, विशेष तौर पर अनीमिया की समस्या कुछ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इस अनीमिया प्रभावित जो भी हमारी माताएं, बहनें, बालिकाएं हैं या जो छोटे बच्चे हैं, इन सब की ओर मैं सबसे पहले तो हमारे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उपायुक्त महोदय हैं, उनको इस बात के लिए ज़रूर आग्रह करूंगा कि जो तालिका है उस तालिका में आपका स्थान कहाँ है, आप रैंकिंग में पूरे प्रदेश में 22 जिलों में कहाँ खड़े हैं। अगर संयोग से आपका स्थान थोड़ा अच्छा है तो जितना ध्यान देना बताया जा रहा उतना तो ध्यान देंगे ही, लेकिन अगर तालिका में आपका स्थान बहुत नीचे है तो वहाँ के जितने भी उपायुक्त महोदय हैं, इस योजना को अपनी फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंतर्गत ला करके और वहाँ कैसे महिलाओं में और बच्चों में ये अनीमिया की जो समस्या कैसे हल हो, इसके लिए आपको विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। विशेष तौर पर एक जिले की जानकारी तो मैं शेयर कर सकता हूँ, है नूह जिला। नूह में अनीमिया की समस्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे दूसरे जिले कौन कौन से हैं, मेरे पास अभी तालिका नहीं है, लेकिन जो भी हैं आपके पास हमेशा साथ रहती है वो तालिका, ऐसे सब जिलों को इस पर विशेष ध्यान देना होगा। स्वस्थ बच्चे, आज के बच्चे, ये कल के जो भावी नागरिक होंगे, तो इस देश के एक प्रकार से निर्माता, कर्णधार यही बड़े होकर के बनने वाले हैं। एक स्वस्थ नागरिक ही समाज को, देश को, प्रदेश को, अपने क्षेत्र को वो आगे बढ़ा सकता है। तो इसलिए इन योजनाओं पर लगातार हमारा ध्यान है। कितनी योजनाओं की चर्चा की गई है, आज भी जो दो योजनाएं हैं जिसके अंदर महिला एवं किशोरी सम्मान योजना व मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना, इनको शुरू किया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग की तरफ से शुरू हो ही रहा है, साथ में जो महिला किशोरी सम्मान योजना, ये हमारे शिक्षा विभाग में भी शुरू हो रहा है। जैसे BPL की सब महिलाओं को तो महिला बाल विकास विभाग की ओर से 22 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, वहीं 6.5 लाख बच्चों को भी, छात्राओं को विशेष तौर पर, ये हमारे शिक्षा विभाग की ओर से सैनिटरी पैड, महीने में 6 सैनिटरी पैड देने की जो योजना बनी है। अब क्योंकि एक ऐसा विषय है जो कई बार हमारी बच्चियां, बेटियां, स्कूल वाले या महिलाएं भी बड़ा संकोची स्वभाव के होने के कारण से अपनी समस्याओं को खुल के बता नहीं पाती हैं, लेकिन तो भी हमें तो हर एक की चिंता करनी है, न भी बता पाए तो भी हमको हर एक को अप्रोच करके उनके लिए इस व्यवस्था का इंतजाम करना है। तो जैसे मैंने बताया 4S की हम बात करते थे, आज इसमें मैं एक ऐसा और जोड़ने जा रहा हूं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन तो है ही है, आज मैं स्वाभिमान की बात भी करने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे समाज में समस्याएं होती हैं जिसके लिए स्वाभिमानी व्यक्ति किन्हीं भी कारणों से वो आगे बढ़कर के सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए आता नहीं है। हमें लगा कि अगर वो नहीं आता तो भी उसको लाभ पहुंचना ही चाहिए, तो हमने इस एक वर्ष में लगातार प्रयत्न करके कल उसका एक लॉन्च किया, और वो है परिवार पहचान पत्र। और उस पहचान पत्र में सभी सदस्यों के नाम होंगे, डाटा होगा, और डाटा में हर सदस्य की, हर परिवार की क्या कठिनाई है, क्या समस्या है, उसकी शिक्षा में
कठिनाई इसको कोई है, शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य की कठिनाई है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है, आजीविका की कठिनाई है, आजीविका का स्तर क्या है, कितनी उसकी आजीविका, कितना उसका इनकम है, ये सब चीज़ें हम उसके अंदर डाटा वाइज इकट्ठा करने वाले हैं। और जब सारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा तो हम ही आगे बढ़ करके डिपार्टमेंट की ओर से कहेंगे कि ये बच्चे जिनको आज आवश्यकता है स्वास्थ्य के नाते से, मानो 3 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चे, उनको अगर जो टीके लगते हैं वैक्सीनेशन के, अन्य प्रकार के, वो सब टीके उनको लगे कि नहीं लगे, इनका डाटा हम रखेंगे। और रखने के बाद किसी बच्चे को अगर चेन में वो छूट गया है तो उस चेन को पूरा करने के लिए उसके घर विभाग पहुंचेगा कि आपके बच्चे का ये काम बाकी है, उसको बुलाने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष का बच्चा, क्या उसकी स्कूलिंग, वो स्कूल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो कहीं ऐसा तो नहीं घर बैठ गया या ड्रॉप आउट हो गया। तो ऐसी डिलीवरी ऑफ द सर्विस एट होम ये हम करने वाले हैं, जिसमें परिवार का, व्यक्ति का, नागरिक का स्वाभिमान उसको भी ठेस नहीं पहुंचेगी। तो इतनी प्रकार की जब सेवाएं हम करेंगे उसके अंदर खासतौर पर जैसा आज 2 प्रोजेक्ट चालू किए गए हैं, इनकी भी आवश्यकता जहां जहां होगी। चीफ सेक्रेटरी मैडम ने बजट की बात की, देखिए कुछ विषय ऐसे जो हमारी प्राथमिकता के हैं उनको करने के लिए हमको बजट की कोई चिंता नहीं, आखिर बहुत सा बजट तो इधर भी खर्च होता है। और ये अगर सैकड़ों करोड़ रुपया मानो दुग्ध योजना में लग गया, या कहीं 40-50 करोड़ रुपया हमारे ये सैनिटरी पैड में लगता है, तो एक समाज को स्वस्थ बनाने के लिए ये चीज़ें बहुत बड़ी नहीं हैं। इसलिए हम लोग इन चीज़ों पर पूरा ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन हमें सबका साथ और सहयोग भी चाहिए। बिना साथ और सहयोग के कई बार डिपार्टमेंट भी बहुत नीचे तक अपनी डिलीवरी को पहुंचा नहीं पाता है। हम व्यवस्थाएं सब बना रहे हैं लेकिन सामने भी इच्छा जागृत होनी चाहिए। इसके लिए मैं सरकारी ऐसी संस्थाएं जो महिलाओं के लिए, शिशुओं के लिए, बालकों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, ये जो सेवा, स्वास्थ्य सेवा के नाते से सरकारी बहुत संस्थाएं बनी हुई हैं, हमारी ज्योति बहंदा जी बैठी हैं, ये बहुत प्रकार की सेवाओं के लिए अपना एक विजन रखती हैं, और बहुत संस्थाएं हैं, तुम इनका नाम ले दिया, बाकी संस्थाएं बहुत हैं, एनजीओज बहुत हैं, सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं, वो भी इस विषय में बहुत सा स्वास्थ्य का काम कर रही हैं। इन सबको भी मैं आह्वान करूँगा कि आगे बढ़ करके लोगों में जागृति पैदा करें, ताकि जो भी कोई आवश्यकता उनकी है उस आवश्यकता के लिए लोगों को सरकारी सुविधा वो ले सकें। इस प्रकार का काम भी हमको करना चाहिए। अभी जैसे मिड डे मील की बात आई, उसके अंदर भी जो जो विषय आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास प्रस्ताव आते हैं, चाहे वो फर्टिफाइड आटा है, चाहे वो फर्टिफाइड दूध की बात है, रेगुलर उनको भी दूध की व्यवस्था कराने के लिए शायद निर्णय हो गया है, विचार किया है, ये सब हो गया है, ताकि जो छात्र, जो बालक है, वो जो 6 वर्ष की कम आयु का जो बच्चा है उसको उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब मिलने चाहिए। इस प्रकार की योजनाओं का आज जो शुभारंभ किया है, मैं इस अवसर पर विभाग के लोगों को, चाहे हमारे WCD है, चाहे शिक्षा विभाग है, और चाहे डेयरी डेवलपमेंट है, जो जो विभाग इस सारे काम में लगे हैं वो इस काम को बहुत बारीकी से ध्यान करते हुए इसको सफल करें, आगे बढ़ाएं। कहीं भी कोई कमी है, सरकार के लेवल पर कोई विषय ध्यान कराना है तो हमारी चीफ सेक्रेटरी मैडम बैठी हैं, इनके माध्यम से बात को आगे पहुंचाएंगे तो हम पूरा करेंगे। आप सबको, उपस्थित लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।